बहुत से लोग डर की वजह से अपनी उंगलियां मुंह में लेके बैठे हैं। ये लोग नाकामी से, नया करने से, नया सोचने से डर रहे हैं। दिन रात खून पसीना नाकामी इनको घेर के बैठी है और डरा रही है। लेकिन बहुत कम लोग, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर फैसला किया है कि मैं ये करने जा रहा हूँ। वो लोग इंतजार नहीं कर रहे, वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने अंदर महसूस किया है कि ये कायनात अल्लाह की है और हम भी अल्लाह ही के हैं। वो लोग कल के बारे में खौफजदा नहीं हैं, वो खौफजदा नहीं हैं क्योंकि वो अपने अंदर अपनी कामयाबी को देख रहे हैं, क्योंकि वो उसे अपने अंदर महसूस कर रहे हैं जो वो चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है। वो जब मुस्तकबिल में देखते हैं तो उनको अपना आप और अपनी कामयाबी नजर आती है, मुस्तकबिल उनको अपना नजर आता है और उनका यही अड़ियलपन और जिद उनके मकसद को उनके पाँव में ला गिराती है। और जब आपके अंदर इस तरह का अड़ियलपन होगा और जब आपके अंदर इस तरह की रूह होगी तो फिर कोई चीज आपको रोक नहीं सकेगी। 50 लाख कमाने वाला आदमी क्या करता है जो 50,000 कमाने वाला नहीं करता है? बस वो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करता है, वो थोड़ा सा हार्ड वर्क ज्यादा करता है, वो थोड़ा सा खून ज्यादा बहाता है। अगर आप किसी भी काम में जीतना चाहते हो तो आपको सख्त बनना है, बहुत सख्त मजबूत बनना है और आपको उसको नहीं छोड़ना है। और यही आपका आपकी जिंदगी के बारे में एटीट्यूड है और यही आपका अपने बारे में एटीट्यूड है। और अगर अब आप उठते हैं और अपने आप से तवक्को करते हैं कुछ बड़ा करने की, कुछ बनने की, और आप सख्त मेहनत करते हैं और बेहतरीन तैयारी करते हैं और ज़हनी तौर पर उस चीज को कबूल करते हैं जो आप करने लगे हैं और हर उस काम से मुंह मोड़ लेते हैं जो आपके मकसद के खिलाफ है, तो होगा और आएगा वो दिन जब सारी दुनिया से आप ज्यादा होगे और दुनिया आपके तले होगी। क्योंकि आदम दुनिया के लिए नहीं बने थे, दुनिया आदम के लिए बनी थी। मेरे भाई, आपको तो जीतने का चांस मिला है। जिंदगी आपको वो देती है जिसके लिए आप लड़ते हैं, वो नहीं देती जिसको आप चाहते हैं। क्योंकि हर कोई अपनी इस जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, हर कोई अपनी जिंदगी में दौलत चाहता है। जिंदगी आपको वो देगी जिसके लिए आप खून और पसीना बहाएंगे और लड़ेंगे। अगर आप खून और पसीना 500 रुपए के लिए बहाते हैं तो शाम को वो आपको मिलेंगे, और अगर खून और पसीना 500 करोड़ के लिए बहाते हैं तो आपको वो भी मिलेंगे। मैं तो भाई इरादे और फिर पुख्ता इरादे पर यकीन रखता हूँ। कामयाबी कोई टैलेंट नहीं होती, ये कोई दिमाग का खेल नहीं है, ये कोई तालीम और डिग्री बिल्कुल भी नहीं है। जो आप चाहते हो उसके लिए आपका इरादा और पुख्ता इरादा आपकी चाहत को आपके कदमों में ला गिराएगा। आपको कुछ पाने के लिए भूखा होने की ज़रूरत है। ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी मीरास है। आप तो मुसलमान हो और मुसलमानों के लिए तो बस अल्लाह ही काफ़ी है।